ठेला लगा कर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरी ने गोली चल गया। इधर से हम जा रहे थे, इधर बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया। मतलब हमको लगा एक आदमी कार लग गया उधर पर, तो उसको लगा यहाँ पर, वो मारने उड़ने चलते भर गए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कल देर शाम बेगूसराय से एक बहुत ही भयावह खबर सामने आई, जहां पर दो अपराधियों ने मिलकर 9 लोगों को गोली मार दी। हालांकि एक की मौत हो चुकी है और बाकी की हालत गंभीर है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इलाज के बाद घर भी जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है उन लोगों का जो इस संगी अपराधी के शिकार हुए हैं। ये लोग अस्पताल में भर्ती है और वो पूरी घटना आंखों देखा पूरा हाल बता रहे हैं कि कैसे अपराधी आते हैं, कैसे उन्हें गोली मारते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है। सर, हम अपना चौक पर न आइसक्रीम बेच रहे थे, मल्हीपुर चौक पर आइसक्रीम बेच रहे थे सर, ठेला लगा कर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरी ने गोली चल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया। मतलब हमको लगा एक आदमी कार लग गया उधर पर, तो उसको लगा यहाँ पर, वो मारने उड़ने चलते भर गए। मतलब आदमी था वहाँ पर सर, बहुत था, मतलब अगल बगल था, सब बहुत था। मारने वाला को हम देखबे नहीं किए, वो क्या आदमी था नहीं था यही बात नहीं थी। हमको लगा हम गिर गए। हम पिरौली में चाय लाने जा रहे थे, तब मारा था। इधर से हम जा रहे थे, इधर बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। मोटरसाइकिल से था, यह 5-10 में था। मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो आपने पीड़ित व्यक्ति को सुना, जिसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है जो सनकी अपराधी का शिकार हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि मैं आइसक्रीम बेचता हूं और आइसक्रीम बेच रहा था, उसी वक्त अचानक से 2 लोग आते हैं और मेरे पैर में गोली मार देते हैं, मैं वहीं पर गिर जाता हूं और वो लोग फरार हो जाते हैं। हालांकि मैं देख नहीं पाता हूं कि वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या वो अपराधी की पहचान नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति का कहना है कि वो चाय लाने जा रहे थे और उसी वक्त 2 अपराधी बाइक से सवार होकर आते हैं और उनको गोली मार देते हैं और वो गिर जाते हैं वहाँ पर। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने 2 लोगों को देखा था कि 2 लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं जिन्होंने इन्हें गोली मारी है, लेकिन ये भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, दोनों अस्पताल में भर्ती है और दोनों जो है इलाजरत है। हालांकि इनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है और कुछ समय बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये उठते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 9 लोग उस अपराधी के शिकार होते हैं। 9 लोगों पर वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और वो खुलेआम अभी तक घूम रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब वो दोनों अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।